बेलघाट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना अध्यक्ष बेलघाट अपने टीम के साथ रात्रि में भ्रमणशील थे कि तभी मुखबिर की सूचना पर शातिर गैंगस्टर अपराधी जो कि 25,000 का थाना बड़हलगंज का गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित व इनामिया चल रहा था जो कि पशु तस्कर है, जिसको गिरफ्तार करने टीम आजमगढ़ मार्ग के पास पहुंची तभी वांछित अभियुक्त पुलिस बल पर फायरिंग करने लगा, जिस पर आत्मरक्षा में पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी स्थिति सामान्य है। जिसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद किया गया है, जिसकी पहचान तौफीक अहमद उर्फ गुड्डू पुत्र जलालुद्दीन निवासी रानीगंज रजौड़ा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में बेलघाट थाना प्रभारी गौरव कन्नौजिया, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनय मिश्रा, उपनिरीक्षक रामजी गुप्ता, अजीत यादव, विपिन यादव, संग्राम यादव, अमरनाथ, अखंड प्रताप सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, कल रात्रि में बेलघाट थाना क्षेत्र में एक अभियुक्त को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर कि अभियुक्त ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया। उसकी शिनाख्त तौफीक के रूप में हुई है, जो कि पशु तस्कर है और पूर्व से थाना बेलघाट व अन्य क्षेत्र से गौकशी में वांछित था और उस पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी वांछित था और 25,000 का इनाम घोषित था। इस अभियुक्त के पास से एक तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। बाइक यथासंभव चोरी की प्रतीत होती है। फिलहाल अभियुक्त को हिरासत में लेकर इलाज के लिए भेजा गया है और इसमें मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है।